वेल बिग बॉस 15 के एक्स कंटेस्टेंट रह चुके जय भानुशाली की वाइफ यानी कि माहे विज को मिले हैं रेप थ्रेट और इसके ऊपर उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर एक बहुत बड़ी बात कह दी है। आखिर क्या कुछ हुआ है चलिए आपको बताते हैं। आप देख रहे हैं फीफा फूज, मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त मदांगी कर्णिक। वेल माहे विज की कार जो है किसी के कार से टकराती है। अब ये अभी तक पता नहीं चल पा रहा कि उन्होंने इस कार को टक्कर मारी है, किसी और के कार ने उन्हें टक्कर मारी है, लेकिन कार टक्कर मारने के बाद जहाँ पे तारा यानी कि उनकी बेटी भी उनके साथ उस कार में थी वहाँ पे दिखाई दिया जिसकी कार से उनकी कार टकराई है वो कार से उतर के माहे विज को रेप थ्रेट देते हैं, मारने की धमकी दे देते हैं और वो भी उनके बेटी के सामने। और यहाँ पे उनकी वाइफ भी, वो जो पर्सन थे उनकी वाइफ भी मौजूद थी और उन्होंने भी गंदे शब्दों का प्रयोग किया, गाली गलौज की है माहे विज को, जिसको लेकर अब माहे विज ने ट्वीट भी किया है और वर्ली पुलिस में कंप्लेन भी दर्ज कराई है। क्या ट्वीट करिए चलिए बताते हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया है जहां पे उस पर्सन का कार प्लेट नंबर आ रहा है और माहे विज ट्वीट करती है कि इस पर्सन ने मेरी गाड़ी को बैंग किया, मतलब टक्कर मारी। यहाँ पे माहे का मानना है कि उन्हें किसी ने टक्कर मारी उनके कार को और उसके बाद गाली गलौज की और रेप थ्रेट्स भी दिए। इनफैक्ट उसकी वाइफ भी जो है कार से बाहर निकली, अग्रेसिव हुई और इसकी डैश कर दे, इस तरीके से गंदी गाली का इस्तेमाल किया गया। मुंबई पुलिस को टैग करते हुए कहती है प्लीज़ हेल्प मी फाइंड दिस गाय जो इस तरीके से मुझे थ्रेट करता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके ऊपर मुंबई पुलिस ने उन्हें रिप्लाई किया है प्लीज़ अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के पास आपको आना है और आपको इसके अगेंस्ट कंप्लेन जो है दर्ज करानी है। जिसके ऊपर रीट्वीट करते हुए माहे विज ने ट्वीट किया है कि मैंने विजिट किया है वर्ली का पुलिस स्टेशन और उसके बाद दे सेड दे विल कॉल हिम। अब पता नहीं एग्जैक्टली उन्हें क्या लिखा है क्योंकि VAL@HIM ऐसा लिखा है तो शायद कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगी, पता नहीं एग्जैक्टली क्या है, बट शायद उनका मानना यही है, कहना यही होगा कि वर्ली पुलिस स्टेशन में उन्होंने पुलिस कंप्लेन दर्ज करा ली है और अब उस पर्सन को पकड़ा जाएगा, इस तरीके से पुलिस ने उन्हें कहा है। और उनका मानना है कि इस तरीके से उनके साथ जो हुआ है वो जो उनकी साइड ऑफ द स्टोरी है वो सामने आ रही है। अब सामने वाले की साइड ऑफ द स्टोरी अभी तक नहीं पता है, पुलिस इसमें अपनी सर्च जो है करती हुई नजर आ रही है। इसके ऊपर आपको क्या कुछ कहना कमेंट्स में जरूर बताइएगा, इस पूरे हादसे के ऊपर आपकी क्या है राय। आई विल सी यू गाइस सून।